हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। बाय का मतलब होता है ये चीज ऊपर होती है, तो आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है सर, इमेजिन कर लेना क्यूब है ये, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का इसका क्या हो गया, आपके पास एजेस हो गई, साइड्स हो गई, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इसके ऊपर अपन ने क्या रखना है, एक हेमिस्फीयर रखना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। थोड़ा इमेजिन करो, मान लो मैंने इसके ऊपर ये बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रखा है ऐसे, ये बॉक्स है, ये प्लेन नहीं है ना, बॉक्स है, ये क्यूब वाला बॉक्स है, इस पे रखा आपने, तो ज्यादा ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा हेमिस्फीयर का, जो इसकी टोटल लेंथ होगी। यहां तो समझ में आया। देखो जो गिविन चीज है ना वो क्या है, आपको सर गिविन चीज तो ये है, क्यूबिकल एजेस, एज ऑफ क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स लिख देता हूं, चलो कितनी हो गई है, 7 सेंटीमीटर हो गई है, समझ में आया कुछ। हाँ सर, अभी जो एज है क्यूबिकल बॉक्स की, उसका डायमीटर कितना होगा, जो फाइनली आपकी जो इसकी जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी ना, यानी कि 7 सेंटीमीटर, उतना ही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है। तो पहला सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया आपको यहाँ पे। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव कितना होगा आपके पास, 7 सेंटीमीटर होगा। ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, जो इसकी टोटल जो आपको लेंथ दिख रही है ना, वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है, रेडियस नहीं पूछा, ठीक है सर। अब जो इस पे बॉक्स रखा गया है उसका रेडियस कितना होगा, ये हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 10 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान देना आप, कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अभी आपके सामने सॉलिड है, इसका एरिया बताओ। अब मेरी बात सुनो, इमेजिन करो यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, इस पे ऊपर जो है आपने एक वो बॉक्स रखा है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। अब ये बॉक्स यहां से जो है ना, नीचे वाला एरिया, ये एरिया 2 बार काउंट हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। इस उस एरिया को मुझे हटाना है यहाँ से, ये जो बीच में जिस एरिया, जो एरिया को उसने ढक दिया है ना, वो एरिया हटाना है मुझे, केवल इस सॉलिड का एरिया बताना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो एरिया ढक गया है ना, उसको काउंट नहीं करना है, समझ में आया आपको। या समझो ये पूरा खाली है यहाँ से, अब बताओ अगर ये पूरा खाली होगा तब भी ये एरिया काउंट नहीं होगा इसके अंदर, समझ में आया कुछ। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, पता है क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा सबसे पहले तो एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस करना है मुझे बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्या माइनस करना है, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर मैं पहले ऐड कर देता हूं हेमिस्फेयर को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको, बेस ऑफ, मेरी बात सुनो, ये आपका एरिया ऑफ क्यूब होगा, इस एरिया ऑफ क्यूब में कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जुड़ेगा, और इसमें से इसका जो ये बेस है ना, बेस, इस बेस को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा बेस ऑफ हेमिस्फेयर को, बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, अब एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, 6 × साइड स्क्वायर, यही होता है। कवर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है सर, 2πr² होता है। बेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा सर, ये πr² होगा, क्योंकि ये एज अ सर्कल है, तो ये हेमिस्फीयर है, ये इसका बेस है, तो ये क्या है, ये एज अ सर्कल ही तो है भाई, बिल्कुल सर, 1 मिनट, ये माइनस है यहाँ पर, अब आप देखो पहले आप या तो इसको सॉल्व करो फिर इसमें से माइनस करो, या फिर आप इसको 2πr² में से πr² को लेस कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल सर। देखो साइड कितनी है आपके पास, इसकी ईच एंड एवरी साइड थी आपके पास 7² प्लस πr, 2πr² में πr² लेस करेंगे तब बचेगा, πr² लेस बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। हाँ सर, पीछे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, 6 × 7, 7 = 49, −22/7, r² है, r कितना है आपका, 7/2 × 7/2, रेडियस में सेंटीमीटर में दे रखे हैं सारे, बिल्कुल इनको मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है सर।
69 या फिर डायरेक्टली कर लो 50 हो जाएगा, 6 5 30, 300, 300 में से 6 को लेस करना है आपको तो 294, ऐसे करके आया समझ में। हाँ सर, आगे देखो, माइनस ये 2 से गया 11 टाइम, ये 7 से 7 चला गया, ये कितने हो गया 77/2, एलसीएम हो गया बिल्कुल। 2 4 8, 2 9 18, 1 2 2 4 5, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। 77/2 और लेस कर दो, 5 8 में 7 गया 1 1/2, और कट कर दो, 2 2 4, 1 1 2 5 10, ठीक है, फिर 1 1 2 5 10, फिर पॉइंट, फिर 2 5 10, 10 समझ में आया क्या? हाँ सर आया। तो फाइनली आपके पास हैंस सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो आया है वो 255.5 सेंटीमीटर आया। बताओ समझ में आया है क्या? हाँ सर, देख लो आप आराम से, क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको, ये बस आपको ये बेस है ना, ये वाला हटाने वाला स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बहुत इजी आपको आ जाएगा सर। बताओ समझ में आया क्या? और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल पर आकर वीडियो देख के सारा का सारा काम आपका बन जाएगा, और मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आएंगे सीबीएसई के, जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, बस आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचा, सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, आप सबसे पहले पढ़ाई में जुट जाओ अपने, क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।